रुक जाओ बेटे, ये गलती मत करना। तुम मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हमदर्द हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मेरा यकीन करो। ये आवाज कैसी थी? क्या है इस दरवाजे के नीचे? मैं सब बता दूंगा, तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बेटे, पहले तुम बाहर निकल चलो, मेरे खातिर बाहर निकल चलो। अगर आज तुमने उस क्रॉस को वहां से हटा दिया होता तो हवेली में एक ऐसा मौत का तूफान आ जाता, इस तूफान से बचकर तुम में से कोई भी नहीं जा सकता था। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कह रहा हूं, इस क्रॉस के नीचे दबी हुई वो शैतानी ताकत है जो बरसों से दफन होकर भी जिंदा है, ये वही शैतानी ताकत है जिसने तुम्हारे साथियों की जान ली। शैतानी ताकत? सब बकवास है, मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। यकीन तो मैं भी नहीं करता था। ये एक लंबी कहानी है बेटे, जो मेरी ही बर्बादी से शुरू हुई। आज से लगभग 20 साल पहले एक ऐसी मनहूस रात थी जिसे याद आते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर अस्पताल जा रहा था जो मां बनने वाली थी, लेकिन रास्ते में उसे दर्द शुरू हो गए। एक हवेली को देखकर मैं वहां मदद के लिए पहुंच गया। मौत के दरवाजे पर जिंदगी मांगता है, गो मैन गो। ये हवेली नहीं, शैतान का घर है। ये क्या कह रही हैं आप? हम सच बोलते हैं मैन, ये हवेली मनहूस है। इस हवेली में एक नापाक आत्मा भटकती है। ले जाओ अपनी वाइफ को, ले जाओ यहाँ से। नहीं, इस हवेली में तुम्हारी वाइफ बच्चा नहीं दे सकती। ले जाओ, जाओ, जाओ। नरेन, नरेन। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। मेरी बीवी क्या इस तरह तड़प रही हो? नहीं मानता मैं। ज्योति, 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 चलो मेरे साथ, प्लीज हवेली के अंदर चलो। हमारी बात मानो मैन, हमारी बात मानो, अपने बच्चे को हवेली में पैदा मत करो मैन, मत करो। ज्योति, ले जाओ इसे, इस मनुष्य को। ज्योति, नरेन, ज्योति, नरेन, ज्योति, 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 हम तुमको पहले ही बोला था मैन, बच्चे को इस मनुष्य हवेली में पैदा मत होने देना, पर तुम हमारा बात नहीं माना। ओह गॉड, आखिर शैतान को चिंता कर ही दिया तुम। इस शैतान को हवेली के पीछे कहीं खंडहरों में बंद कर दो। और जीजस का ये क्रॉस उस दरवाजे पर लगा दो ताकि ये शैतान वहां से कभी निकल ना सके। जाओ जाओ। Thank you.
इस हादसे को गुजरे 20 साल हो गए और 20 साल से मैं इस हवेली के आसपास पागलों की तरह भटक रहा हूं ताकि जो कहर मेरी बीवी पर टूटा था वो किसी और बेगुनाह की जान न ले ले। लेकिन अगर किसी ने उस क्रॉस को दरवाजे से हटा दिया तो शैतान कैद से आजाद हो जाएगा, हम सब मारे जाएंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, कोई जिंदा नहीं रहेगा। पता नहीं तेरे जीजाजी कौन सी दुनिया की सैर करने चले गए हैं, वो होते तो तेरी और अनीता की शादी करके ये किस्सा ही खत्म कर देते। अरे छोटे, किन ख्यालों में खोए हुए हो, कुछ तो बोल। दीदी, मैं सुनील के बारे में सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुत्ता होश में आ गया हो। होश में आ भी गया तो क्या कर लेगा, तहखाने के बाहर तो निकल नहीं सकता, अंधेरे में घट घट के मर जाएगा। न जाने मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा कि वो इतनी आसानी से मर जाएगा। जब तक मैं उसकी लाश को अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे तसल्ली नहीं होगी। क्या तुम तहखाने में फिर जाओगे? तुम फिक्र मत करो दीदी, मैं सुनील की मौत की खबर लेकर अभी आता हूं। सुनील चला कहां गया, कल से उसका कुछ पता नहीं। तुम कुछ भी कहो महेश, मुझे तो ऐसा लगता है इस हवेली में कुछ ना कुछ जरूर है। पहले माइकल मारा गया,
और अब सुनील लापता है। बाहर जाने का रास्ता है, कम ऑन, बी क्विक। सब बस के अंदर बैठो, कम ऑन हरी अप, चलो जल्दी करो।